नागरिकता संशोधन बिल पर अरुणाचल प्रदेश में हालात हुए तनावपूर्ण, केंद्र ने तैनात की आईटीबीपी की 6 कंपनियां, धारा 144 भी लागू। स्थायी निवासी प्रमाण पत्र पर रविवार को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में हुआ हिंसक प्रदर्शन, अब तक 2 लोगों की मौत, 3 घायल। ईटानगर में युवक की मौत से नाराज भीड़ ने रविवार को डिप्टी सीएम के घर में लगा दी आग, प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर की थी तोड़फोड़। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों से शांति की अपील की, मुख्यमंत्री पेमा खांडू से भी बातचीत। बांग्लादेश के चटगांव में विमान हाईजैक की कोशिश नाकाम, फ्लाइट के सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। विमान के चटगांव के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, ढाका से दुबई के लिए जा रहा था बांग्लादेशी एयरलाइंस का विमान। विमान हाईजैक की कोशिश करने वाले गनमैन को मारा गया, बंदूक के साथ विमान के कॉकपिट में की थी घुसने की कोशिश, विमान में 145 यात्री सवार थे। बंगाल के कूच बिहार में छात्र के बैग से बरामद हुआ बम, पुलिस ने दर्ज की FIR। चेन्नई में अस्पताल के सामने पार्किंग एरिया में लगी भीषण आग, 200 से ज्यादा कारें जलकर खाक, पोरूर इलाके में हुआ हादसा। विशाखापट्टनम T20 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेट से हराया, सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने ली 1-0 की बढ़त। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर बनाए थे 126 रन, ऑस्ट्रेलिया ने मैच के आखिरी गेंद पर दर्ज की जीत।